हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SS गार्डन अमृतसर में। तो आज हम बात करेंगे प्लांट मॉर्निंग ग्लोरी के बारे में और जानेंगे कि इसके सीड कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और एक ही पौधे से ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने सारे पौधे हम तैयार कर सकते हैं दोस्तों। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जब भी विंटर का सीज़न आता है तो मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है जो वो मुरझाने लगता है और कई दोस्त ऐसे करते हैं कि उसको फेंक देते हैं काट के। लेकिन अगर आपको इसके सीड चाहिए तो आपको उसको फेंकना नहीं है। जब भी इसका फूल सूखता है तो उसको थोड़े दिन ऐसे ही ये लगे रहने देना है। ये देख सकते हैं कि इसका फूल मुरझा चुका है और अभी इसके सीड तैयार हो रहे हैं दोस्तों। और आप ये देखेंगे एक कि इसका जो सीड्स हैं काफ़ी ज़्यादा, मेरे प्लांट पे तो काफ़ी ज़्यादा सीड्स अभी तैयार हो चुके हैं, पक भी चुके हैं। ये देखिए कि फिंगर की मदद से हम इसके सीड कैसे कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जब भी आपका ये फूल सूख जाए तो इस तरीके के आपको मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट के सीड मिल जाएंगे आपके पौधे में। सो आप इस तरीके से आप अपने ही पौधे से काफ़ी सारे पौधे एक ही पौधे से तैयार कर सकते हो दोस्तों। आपको नर्सरी से दोबारा लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, आप इस तरीके फिंगर की मदद से आप इसको टच करिए और आपको जो भी फूल के जो सीड है आपके हाथ में मिल जाएंगे दोस्तों। ये ब्लैक कलर के होंगे और छोटे छोटे से होंगे दोस्तों। आपने बहुत ध्यान से इसको कलेक्ट करना है क्योंकि अगर इधर उधर गिर गए तो फिर मिलेंगे नहीं दोस्तों। जैसे आप देखते हैं विंका के सीड होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं दोस्तों। ये देखिए कितने सारे सीड अभी मेरे पास, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी के ये सीड्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और भी मैं इससे कलेक्ट करने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि अभी ये बिल्कुल ही पौधा सूख रहा है, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है दोस्तों। सो क्योंकि अभी इसका जो सीज़न होगा वो मार्च के महीने में इसकी सीडलिंग करेंगे तो बाद में फिर ये पौधा तैयार हो जाएगा। तो बाद में 7-8 महीने ये काफ़ी ज़्यादा फूल हमें देगा। इसलिए हमें इससे जो भी सीड हमें मिले उसको एक जगह रख लेना है। ता जो ये देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे सीड है जो मेरे पास अभी मॉर्निंग ग्लोरी के आ चुके हैं और काफ़ी सारे पौधे मैं इसे तैयार कर सकता हूँ। सो आप भी इस तरीके से अगर आपके पास में मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है तो आप सीड प्लांट करें और एक ही पौधे से काफ़ी ज़्यादा पौधे तैयार करें। तो इस वीडियो में बस तरीके से आप सभी सीड को देख सकते हैं और जानिएगा किस तरीके से हम इसके सीड को और भी बढ़िया तरीके से कलेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।